के नीचे के। हाँ भाई आपका ये क्या है, ये टीनोड भी है ना, और ये टीनोड है, ये लिक्विड है, इधर नीचे की तरफ 100% लिक्विड फेज था और ऊपर की तरफ 100% वेपर फेज था। तो जो आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है, अब बाइनरी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ है ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूशन का वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा, टी नोड ए एंड टी नोड बी के बीच में, कहीं भी आ सकता है, जैसे यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, कहीं भी आ सकता है। जैसे टोटल प्रेशर क्या होता है, टी नोड ए और टी नोड बी के बीच में लाई करता है, ऐसे ही हाँ टोटल वही उस हाँ कर्व पर लाया करेगा ना। कर्व पर ही लाई करेगा, बिल्कुल क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट था हमारा ओके कि सर। लिक्विड कर्व के नीचे 100% लिक्विड मिलेगा। थर्ड पॉइंट था कि वेपर कर्व के बीच में हमेशा वेपर कर्व, मतलब वेपर कर्व के ऊपर हमेशा आपको वेपर फेस मिलेगा सिस्टम 100%। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आ रहे थे, तो फोर्थ पॉइंट ये था कि हमने क्या किया था, कौन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम क्या कर रहे थे, हमें फिजिकल स्टेट चेंज करना है, तो क्या करें, कंपोजिशन चेंज करेंगे है ना। तो बाय चेंजिंग कंपोजिशन हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं, लिख लो बाय चेंजिंग कंपोजिशन। ये फोर्थ पॉइंट था हमारा, ये भी मैंने शायद लिखा दिया था, बाय चेंजिंग हाँ कंपोजिशन। कंपोजिशन है ना, फिजिकल स्टेट है कि मे बी चेंज, मे बी लिखना, फिजिकल स्टेट में भी चेंज। अब मैं मेबी क्यों लिखा रहा हूं भाई, आपने कौन सा कंपोजिशन लिया है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो एक तो आप कह रहे हो कि नहीं मेरा इनिशियल कंपोजिशन ये है, इस जगह पर है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कंपोजिशन चेंज करके मैं मिड पॉइंट पे कहीं आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पे आपका पूरा वेपर तो ना मिलेगा, आपको आगे एक्सटेंड होकर यहाँ आना पड़ेगा, इस जगह पर आपको पूरा वेपर फेस मिलेगा है ना। तो अगर आप कंपोजिशन पूरा यहाँ की जगह ये वाला कंपोजिशन ला रहे हो तो आपका फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, बीच में कहीं पर आ रहे हो तो आपको दोनों फेस मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और वेपर भी मिलेगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इसी तरह से मुझे क्या करना है, कंपोजिशन चेंज करना है, कांस्टेंट रखना है और फिजिकल स्टेट चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करें, तो मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा आर ऋषिकेश, एट कांस्टेंट कंपोजिशन। मेरी आवाज तो क्लियर है आदर्श, हाँ सर। बाय चेंजिंग क्या करेंगे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर फिजिकल स्टेट में भी चेंज, ठीक है, ये भी आपको क्लियर होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस स्मॉल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ, यहां तक नोट कर लो सारे पॉइंट्स। अब हम आते हैं डिस्टिलेशन पे है ना, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना डिस्टिलेशन, क्या मीनिंग होता है डिस्टिलेशन का, कोई भी बताना चाहे अपने से, ऋषिकेश, साई, दीक्षांत, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेशन, अभिषेक, सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन हाँ किसके बेसिस पे, बॉइलिंग टेम्परेचर के बेसिस पे। पॉइंट के बेसिस पे जनरली। टेम्परेचर हाँ मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट वही जो लिक्विड पहले बॉइल हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपराइज हो जाएगा। अभी अभी आपको लिखाया था ना कि जिसका वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। आप चाहो तो लिख लेना कि बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब हमारे पास दो ग्राफ है, मैं ग्राफ से भी इसको समझा सकता हूँ और लैंग्वेज है, मतलब अपन इसको नॉर्मली इससे भी समझ सकते हैं, क्या कहते हैं थ्योरेटिकली। तो ये आपका देखो, ये वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ है, ऐसा ही आता था है ना, ये वाला आपकी लिक्विड फेज थी और ये वाला आपका वेपर फेज था, ऐसे ही जब हमने, ये किसके बीच में था, वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन के बीच का ग्राफ है ना, ऐसे ही हमने जब बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन के बीच का ग्राफ देखा तो वो अभी ऊपर बना हुआ ये स्क्रीन पे आपको क्लियर भी दिख रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा।
ये उल्टा ग्राफ बन जाएगा। अब आपका जो डिस्टिलेशन है वो दो तरह का होता है, लिख लेना डिस्टिलेशन दो तरह का होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब आइसो यानी होता है कांस्टेंट टेम्परेचर, वेरी गुड, आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा होता है आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वाला जो है जिसमें मैंने बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस स्मॉल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाया है, इसमें हम समझेंगे किसके बेसिस पे ये हम कर रहे हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक यानी मैंने क्या कांस्टेंट रखा है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है, यानी ये आइसोबारिक का ग्राफ है। और ये आइसोथर्मल यानी इसमें मैंने क्या रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। तो ये दोनों ग्राफ के ऊपर लिख लेना कौन सा डिस्टिलेशन कौन से टाइप का। अब कैसे आइसोथर्मल है और कैसे आइसोबारिक है तो इसको समझते हैं। लेट से बहुत सिंपल सा है, इसमें समझने का पार्ट ज्यादा है थोड़ा सा। लेट से अभी आप यहाँ पे सर वो ग्राफ क्या होता है, आइसोथर्मल या आइसोबेरिक? हाँ मतलब हमारा टेम्परेचर सर। हाँ बोलो। वो वेपर प्रेशर और कंपोजिशन का ग्राफ है ना, उसमें लिक्विड का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना? हाँ, लिक्विड का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है? अब देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या है, ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है फर्स्ट वाला, इस पूरे ग्राफ में मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है। मैं जो भी चेंज करूंगा वो किसमें चेंज करूंगा, प्रेशर में चेंज करूंगा, ऋषिकेश, क्लियर। सेकेंड वाला जो ग्राफ है, इस सेकेंड वाले ग्राफ में मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, आप चाहो तो लिख लो प्रेशर कांस्टेंट है। जो भी चेंज करूंगा वो मैं सिर्फ टेम्परेचर चेंज करके डिस्टिलेशन करूंगा। आइसोथर्मल है मतलब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऋषिकेश, क्लियर हुआ? ठीक। अब मान लेते हमारा जो सॉल्यूशन है वो अभी यहाँ पे, ये उसका जो डार्क येलो सर्कल दिख रहा है ये उसका कंपोजिशन है। अब मुझे क्या करना है, उसे सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करेंगे, मैं क्या करूँ, उसका जो टेम्परेचर है वो मैं कम करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ करता जाऊँ, ये मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अभी लिक्विड का कंपोजिशन इस डायरेक्शन में, सॉरी प्रेशर मैंने डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज किया। फर्स्ट वाला अपन देख रहे हैं ना आइसोथर्मल, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ प्रेशर डिक्रीज करता जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करूंगा लिक्विड क्या होगा, लिक्विड की टेंडेंसी होगी कि वो वेपर में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, उसका प्रेशर डिक्रीज कर दिया, तो उसका कंपोजिशन यहाँ कहीं पे आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर, इस प्रेशर पे मुझे क्या मिलेगा उसके रेस्पेक्ट में, अगर मैं वेपर फेस का कंपोजिशन देखूंगा तो ये उसके वेपर फेस का कंपोजिशन है, राइट। और इसके बीच में क्या होगा, आपका लिक्विड जो है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ तक क्या कोई डाउट? नहीं समझा, फिर से मैंने क्या, वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है इस, अभी आपका जो सॉल्यूशन है ना उसका कंपोजिशन जो है, लेट से उसमें जो मोल फ्रैक्शन है या उसकी जो फिजिकल स्टेट है, पहली बात तो वो पूरा का प्योर प्योर लिक्विड है, और उस प्योर लिक्विड में, ठीक है, उस प्योर लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है ए का वो ये है और बी का भी कुछ मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, मतलब आपका जो कंपोजिशन और उसकी जो फिजिकल स्टेट है और उसका जो वेपर प्रेशर है, वो सब के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट आया, मतलब अभी मान लो आपने दो सब्सटेंस है ए और बी, उनको मिक्स किया, मिक्स करके आपका प्योर लिक्विड बना, उस प्योर लिक्विड का कुछ वेपर प्रेशर निकल गया, वो यहाँ कहीं पे है ना, वेपर प्रेशर आया यहाँ कहीं पे, और उसमें ए का भी कुछ मोल फ्रैक्शन है और बी का भी कुछ मोल फ्रैक्शन है। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ कि मुझे क्या हो, ये आपका क्या था, ये आपका पी नोड बी है लेस वोलेटाइल, और ये आपका क्या है पी नोड ए है मोर वोलेटाइल। मैं चाहता हूँ कि उसमें से ए को मैं पूरा क्या कर लूँ, सेपरेट कर लूँ, मेरे पास ए अलग हो जाए और बी अलग हो जाए। तो मैंने क्या किया, प्रेशर डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज करते करते अभी वो यहाँ पर आ गया वेपर प्रेशर। तो इस वेपर प्रेशर पे उनका जो लिक्विड फेस में कंपोजिशन है वो क्या है, ये रहा है ना, एक्स ए और एक्स बी यहाँ पर आएगा, और उनका वेपर फेस में जो कंपोजिशन है इसके रेस्पेक्ट में जो वेपर फेस आएगी उनकी, उसका जो वाई और वाई बी होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, है ना। यानी कुछ लिक्विड क्या होगा, वेपराइज हुआ होगा, क्योंकि आप वेपर प्रेशर को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, कुछ लिक्विड वेपराइज हुआ होगा, तो वेपर फेस में जो कंपोजिशन आया होगा वाई और वाई बी वो ये हुआ रहा होगा,
ऋषिकेश, यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इस वेपर को सेपरेट किया और एक अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लिया। अब वो वापिस से क्या होगी, कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस कर रहे हैं तो लिक्विड फेस में उसका जो कंपोजिशन आएगा वो ये आएगा, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर मैंने क्या किया, इस वेपर को कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में ले लिया और दूसरे कंटेनर में उसका इस वेपर के कोरस्पॉन्डिंग जो कंपोजिशन आएगा लिक्विड का वो ये आएगा। फिर उस लिक्विड के कोरस्पॉन्डिंग फर्दर मैंने उसको क्या किया, देखा तो उसके रेस्पेक्ट में जो वेपर प्रेशर आएगा वो ये आएगा। एक काम करो, मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो उससे क्या होगा थोड़ी सी कुछ चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो लिखो पॉइंट नंबर वन लिखो, द सेपरेशन ऑफ लिक्विड बाय डिस्टिलेशन ऑकर्स बिकॉज, ये पॉइंट नंबर वन है, एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर, लिखते जाना, the separation of liquid by distillation occurs because at any temperature or pressure the composition of distillate or condensate, sir repeat कीजिए the separation of liquid by distillation occurs because at any temperature or pressure the composition of distillate or condensate is different then the composition of original liquid. Point number one, ये सारे point मैं आपको समझाऊंगा, एक बार लिख लो। Point number two, with the elimination of vapor above the liquid, with the elimination of vapor above the liquid, the boiling point of residual liquid increases. दोबारा बोल रहा हूँ, with the elimination of vapor, second point है, with the elimination of vapor above the liquid, the boiling point of residual liquid increases. The boiling point of residual liquid increases. Point number three, the boiling point of distillate is less than that of original liquid. The boiling point of distillate is less than of original liquid. यहां तक नोट हो गया भाई, कोई रिपीट हो गया? तीसरा पॉइंट दोबारा देख लेना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिस्टिलेट इज लेस देन दैट ऑफ ओरिजिनल लिक्विड। सर पहला वाला आखिर का थोड़ा बताइए, कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट, द कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट और कंडेंसेट इज डिफरेंट देन द कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल लिक्विड। देखो पॉइंट नंबर वन बोलता है कि सेपरेशन ऑफ लिक्विड बाय डिस्टिलेशन ऑकर्स बिकॉज एट एनी टेम्परेचर और प्रेशर कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट और कंडेंसेट इज डिफरेंट देन द कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल लिक्विड। लेट्स से अपन ये टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का। मान लो अभी आपका जो लिक्विड है, आपको ये तो पता है कि नीचे की तरफ आपका पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा। लेट्स से अभी यहाँ पे आपका वो सॉल्यूशन है, उसका कंपोजिशन है, हमें क्या करना है, इसमें ए और बी को सेपरेट करना है और हमें पता है कि ए मोर वोलेटाइल है, तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया,
टेम्परेचर बढ़ाता गया एक टेम्परेचर आया, इस टेम्परेचर पे मुझे ए और बी का कुछ कंपोजिशन मिला है ना, ये वाला, ये लिक्विड फेस में कंपोजिशन मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वेपर को मैंने क्या किया, लेट से ये कंटेनर है, इस कंटेनर से डिस्टिलेशन में होता गया, इस कंटेनर में आपका लिक्विड था, इसको मैंने हीट करता गया खेड़ता गया, तो इस टेम्परेचर पे मुझे ये जो टेम्परेचर है ना, इस टेम्परेचर पे मुझे कुछ कंपोजिशन मिला वेपर फेस में, ये वेपर, तो उस वेपर को मैंने क्या किया, कलेक्ट किया एक एक्सटर्नल ट्यूब से, कलेक्ट करके कंडेंस किया, कंडेंस करके उसको दूसरे कंटेनर में ले लिया। अभी समझ में आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं हम, है ना, उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके मैंने दूसरे कंटेनर में ले लिया और यहाँ पे कंडेंस कर दिया। अब जब यहाँ पे कंडेंस किया तो जो वेपर मैंने यहाँ से निकाली थी, उस वेपर का जो कंपोजिशन होगा वो कंपोजिशन यहाँ पर लिक्विड फेस का कंपोजिशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो लिक्विड फेस का, इसके रेस्पेक्ट में जो वेपर थी, वेपर फेस का कंपोजिशन क्या था, देखो हम आगे जाते हैं इसी टेम्परेचर पे, ये इसके वेपर फेस का कंपोजिशन था। इस वेपर को मैंने क्या किया, कलेक्ट किया, यहाँ से कलेक्ट करके सेपरेटली कंडेंस किया और दूसरे कंटेनर में ले लिया, जहां पर ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। यानी जो वेपर फेस का कंपोजिशन था वो इस कंटेनर के लिए लिक्विड फेस का कंपोजिशन आ गया, जो कि ये होगा, इसके लिक्विड फेस में जो कंपोजिशन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिर हीट कर रहा हूँ हल्का सा। अब हीट करने से क्या होगा, तो हीट करने से क्या होगा, यहाँ पे फिर वेपर बनेगी, उस वेपर को फिर मैं क्या करूंगा, फिर कलेक्ट करूंगा, कलेक्ट करके कंडेंस करके फिर नेक्स्ट कंटेनर में क्या करूंगा, कलेक्ट कर लूंगा। तो ये कहलाता है आपका डिस्टिलेशन। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर के बेसिस पे सेपरेट कर रहा जा रहा हूँ। तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे कि अभी इसके रेस्पेक्ट में जो भी वेपर बने, तो हो सकता है कि इस टेम्परेचर के बाद, इस प्रोसेस के बाद मुझे पूरा का पूरा क्या मिल जाए, यहाँ पे ए मिल जाए, बी आए ना। मैंने यहाँ पर जब इससे मिलने वाली वेपर को क्या किया, कलेक्ट किया, कलेक्ट करके कंडेंस किया, तो यहाँ पे वो लिक्विड फेस में आ गई। तो देखो इस लिक्विड फेस को अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें ए की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बी की क्वांटिटी बहुत कम है। देखो ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बी का मोल फ्रैक्शन बहुत कम है, है ना। इस डायरेक्शन में जाने पर ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। तो इसमें मुझे ए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिला, किससे, बी से, क्योंकि ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। अब मैंने क्या किया, फिर यहाँ से हीट किया, टेम्परेचर चेंज किया, है ना, और हीट करके पूरी प्रोसेस में देखो आपका प्रेशर में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, आइसोबारिक प्रोसेस है। हम किसमें चेंज कर रहे हैं, हीट करके सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं। फिर मैंने हीट किया तो यहाँ से जो वेपर मिली उसको मैंने कंडेंस किया, कंडेंस करके जब इस कंटेनर में लिया तो पता पड़ा कि सिर्फ और सिर्फ मुझे प्योर ए मिल रहा है, बी तो आई नहीं रहा। तो देखो आपका ए और बी क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। अच्छा कौन सा डिस्टिलेशन हुआ है, ये हुआ है आइसोबारिक। पूरे प्रोसेस में मैंने प्रेशर को क्या रखा है, सेम रखा है, टेम्परेचर चेंज करके मैं डिस्टिल किया। क्या अभी डिस्टिलेशन समझा, बोलो आदर्श ऋषिकेश, क्लियर है ना। तो ये आइसोबारिक था, इसी तरह से आइसोथर्मल भी होता है, मतलब आप टेम्परेचर सेम रख रहे हो, है ना, और आप क्या कर रहे हो, प्रेशर चेंज करते जा रहे हो। ये अपना एक चैप्टर है पीओएसी, है ना, तो वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा दोबारा डिटेल में, स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या होता है, ये अपन दोबारा समझेंगे वहां पे। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया डिस्टिलेशन का। तो डिस्टिलेशन हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर आइसोथर्मल डिस्टिलेशन होगा या आपका क्या होगा, आइसोबारिक होगा, क्लियर है। क्यों हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो आप डिस्टिलेट, अच्छा ये यहाँ पे जो रह गया ये तो आपका रेसिड्यू रहेगा, क्लियर है, अभी ये टर्म्स भी क्लियर कर लेना। ये हो गया रेसिड्यू, ये यहाँ से जो आपने कलेक्ट किया, जो कलेक्ट किया इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डिस्टिलेट, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टिलेट बोलेंगे। और इस डिस्टिलेट को जब मैंने कूल करके इस कंटेनर में लिया तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कंडेंसेट कहलाएगा। ये लिख लेना चाहो तो ये डायग्राम भी बना लेना ताकि आपको समझ में आए, ये आपका कहलाएगा कंडेंसेट, क्लियर। तो ये था आपका डिस्टिलेशन। ऑक्सो आपको आइसोबारिक डिस्टिलेशन से थोड़ा डिस्टिलेशन प्रोसेस समझ में आया, जहां पे हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं।
आपकी आवाज यहाँ पर बी किधर गया? हाँ तो देखो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बी किधर गया ये आपका डाउट है कि बी क्या है, वेरी लेस वोलेटाइल है किससे, ए से, ए मोर वोलेटाइल है, यानी कम टेम्परेचर में पहले कौन वेपर में कन्वर्ट होगा, ए, उसके बाद बी कन्वर्ट होगा। तो अभी क्या किया हमने, हीट करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया तो एट लेट्स से रूम टेम्परेचर है ना, ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं, लेट्स से आपका ए का बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस। अब हमें दोनों को सेपरेट करना है, तो मैं दोनों को हीट करना स्टार्ट किया, यहाँ पर थे वो, अभी वो थे लेट्स से रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे ए भी कुछ वेपर फेस में होगा है ना, और बी भी कुछ वेपर फेस में होगा, लेकिन उस वेपर फेस में ए का कंपोजिशन ज्यादा होगा किससे, बी से, क्योंकि ए मोर वोलेटाइल। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, बढ़ाते 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 मैं अभी लेट्स से 35 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है लेट्स से 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है ना। तो आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगा, उस पे सॉल्यूशन बॉइल होगा। तो अभी इस टेम्परेचर पे मुझे ए और बी दोनों मिलेंगे, लेकिन उसका कुछ अमाउंट मेरे को वेपर फॉर्म में भी मिलेगा। तो मैंने इस टेम्परेचर पे वेपर को क्या किया, कलेक्ट किया, कलेक्ट करके कंडेंस किया। तो इस कंडेंसेट में आप ए की क्वांटिटी बी से और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है, पहले जो इस लिक्विड में लेट्स से एक्से की वैल्यू आती थी, सॉरी वेपर में जो एक्से की वैल्यू थी, वाई जो था वेपर फेस में वो 0.6 था, और वाई भी कितना था लेट्स से वो 0.4 था। तो जब हमने इसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके कंडेंस किया, तो अब ये लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो गया, तो इस लिक्विड फेस में एक्से आपका कितना आएगा 0.6, और वाई कितना आएगा, सॉरी एक्स भी कितना आएगा 0.4 है ना। तो अब मैं फिर क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो हीट कर रहा हूँ, तो हीट करने के बाद क्या होगा, जो वेपर मिलेगी उस वेपर में हो सकता है कि अब इस टेम्परेचर पे ए वेपराइज ही ना हो, क्यों, सॉरी बी वेपराइज ही ना हो, क्यों, क्योंकि ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो पूरा का पूरा ए क्या हो जाए, वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाए, जिसको मैं यहाँ से कलेक्ट करके क्या कर लूँ, कंडेंस कर लूँ। जरूरी नहीं है ये दो स्टेप्स में, हो सकता है कि सेकेंड स्टेप में कुछ बी अभी भी है, लेट से मान लो सेकेंड स्टेप में ऐसा हुआ कि ए तो ज्यादा बनेगा ही ना वेपर फेस में, ए ज्यादा वेपराइज हुआ, तो अब ए का वेपर फेस में कंपोजिशन और बढ़ गया, लेट से यहाँ पे 0.8 हो गया, और वाई भी कितना हो गया 0.82 हो गया। फिर मैंने उसको कंडेंस किया, कंडेंस करने के बाद फिर हीट किया, तो हो सकता है थर्ड स्टेप में आप मेरे को प्योर ए मिले, बी आए ना। हाँ ऋषिकेश, तो धीरे धीरे बी क्या हो रहा है, बी सेपरेट होता जा रहा है। हेलो, तो बी लिक्विड फॉर्म में रहेगा कंटेनर, तो वहां पे लिक्विड फॉर्म में रहता जाएगा, क्योंकि बी का वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, बी का वेपर प्रेशर कम है, बी का वेपर प्रेशर कम है, कम है, हां कम है, ए मोर वोलेटाइल है, क्लियर। तो इस ये प्रोसेस हमारी डिस्टिलेशन कहलाती है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना, जल्दी से अपन एक ग्राफ और बना लेते हैं, मेरे हिसाब से एजियोट्रोपी कम है सॉल्यूशन पढ़ने में, नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्राफ फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। तो पहले हेडिंग डालो, आप तो एक सीधा है, हेडिंग डालो एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप क्या होता है, एजियोट्रोप तो लिखो इसमें पहले, फिर मैं इसके ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करूंगा। एजियोट्रोप्स क्या होता है, द सॉल्यूशन, एजियोट्रोप लिखना, द सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, द सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, द सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन से क्यों सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज they have same composition because they have same composition in liquid phase as well as in vapor phase, because they have same composition in liquid phase as well as in vapor phase are called azeotropic mixture, नहीं हम क्या बोलेंगे, azeotropic mixture बोलेंगे। क्या मतलब है इसका,
मेजर टॉपिक मिक्सचर, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनका जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में है वही कंपोजिशन वेपर फेज में है, तो उन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे कि उसको अपन ग्राफ से समझे, है ना। बॉइलिंग पॉइंट वाला मैं ग्राफ ले रहा हूँ क्योंकि उससे आपको डिस्टिलेशन क्लियरली समझ में आया था। तो अपना ए मोर वोलेटाइल था किससे, बी से, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। ऐसा कुछ ग्राफ है ना, ये अपना किसका का पोजीशन है, ये वेपर फेज का, ये लिक्विड फेज का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट आ रहा है ना बीच में, यहाँ पे देखो जो वेपर फेज में कंपोजिशन है वही कंपोजिशन किसका हो गया, लिक्विड फेज का हो गया। तो अब कहने का मतलब क्या है कि आप कलेक्ट कर रहे हो, लेट्स से लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है एक्स है वो 0.6 है ना, और वाई भी आपका कितना है, मतलब जो लिक्विड फेस में कंपोजिशन है वही वेपर फेस में कंपोजिशन है, आपका कंपोजिशन ही चेंज नहीं होना। आप बार बार वेपर कलेक्ट कर रहे हो, वेपर कलेक्ट करके कंडेंस कर रहे हो, जितना ए ए का कंपोजिशन आ रहा है, मतलब ए और बी का कंपोजिशन 0.6 रेशो 0.4 ही आ रहा है। तो जब कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा ऋषिकेश, तो क्या वो सेपरेट हो पाएंगे, नहीं। भाई पहले में मान लो कंपोजिशन अगर 0.6 एंड 0.4 आ रहा है और दूसरे में कंपोजिशन 0.8 एंड 0.2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ए आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, बी की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ पे 0.6 एंड 0.4 था पहले पार्ट में, फिर हमने उनको हीट करके सेपरेट किया, वहाँ भी कंपोजिशन 0.6 एंड 0.4 मिला, फिर उनको हीट करके हमने सेपरेट किया, फिर कंपोजिशन 0.6 एंड 0.4 मिला। कहने का मतलब क्या है, जिस रेशियो में ए जा रहा है उसी रेशियो में बी भी जा रहा है, तो कभी भी हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे क्या कहलाते हैं, एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, जिनका लिक्विड एंड वेपर फेस में कंपोजिशन। सर वो पहला ग्राफ बता दीजिए, पहला ग्राफ वो ड्रा किया है आपने, वो ये तो अपन ने पिन कीजिए जरा। तो ये अपने हमने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ हो गया। जनरली ग्राफ क्या होता है, ये नीचे वाला ऐसा होता है और ऊपर वाला आपका ऐसा जाता है ना, लेकिन ऊपर वाला जो वेपर का ग्राफ है वो एक पॉइंट पे जाके लिक्विड को टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, इस पॉइंट पे दोनों का कंपोजिशन लिक्विड फेस और वेपर फेस का कंपोजिशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस पॉइंट पे आपका जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड एज़ोट्रोपिक, यानी इस पॉइंट पे जो आपका सॉल्यूशन बन गया उसे हम एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बोलेंगे। इस पॉइंट पे हम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, ए को बी से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, इनको हम कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम लेते हैं ना, दे आर कोल्ड, दे आर कोल्ड कॉन्स्टेंट बॉइलिंग, ठीक है, दे आर कोल्ड कॉन्स्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन। क्यों बोलते हैं इनको कॉन्स्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि इस पॉइंट पे अब दोनों सॉल्यूशन सेम बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होंगे, या ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों इसी पॉइंट पे जो सेम टेम्परेचर है उस पे बॉइल होना स्टार्ट होंगे, दोनों को इस पॉइंट पे हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इस पॉइंट पे सेम आ गया, ठीक है। तो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्या होते हैं, जहाँ पे लिक्विड फेस में वेपर फेस का कंपोजिशन सेम हो जाए उनको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉइल हो रहे हैं, दोनों का फ्रैक्शन सेम आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। अभी कोई तो देखो ऋषिकेश, आप ये हमारे क्या हो गया, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर हो गया, दोनों सेम टेम्परेचर, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया, दोनों का लिक्विड फेस और वेपर फेस में कंपोजिशन सेम हो गया। अब हम इसे क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। आपके जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर है वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो लिख लेना मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, एंड दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। दोनों से मीनिंग क्या है ना, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का मतलब ये है कि जो दोनों का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है, लेट्स से ए का बॉइलिंग पॉइंट था टी नोड ए, है ना, और बी का बॉइलिंग पॉइंट था टी नोड बी, तो जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम आ जाएगा, यानी जो सॉल्यूशन है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे बॉइल होगा, तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप। यानी जो आपका टी आएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो लेस देन टी नोड ए हो जाएगा,
है ना, और जो टी है वो लेस देन टी नोड बी भी रहेगा, दैट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एज़र प्रॉप. नेक्स्ट लाइन में मैं लिखाऊंगा डिटेल में. मैक्सिमम बॉइलिंग एज़र प्रॉप का मतलब क्या है, अगेन ए का बॉइलिंग पॉइंट है टी नोड है और बी का बॉइलिंग पॉइंट है टी नोड है, तो जो सॉल्यूशन है वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेंपरेचर पे बॉइल करे, यानी जो टी है उसकी वैल्यू टी नोड ए से भी ज्यादा है और टी नोड बी से भी ज्यादा है, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेंपरेचर पे अगर सॉल्यूशन बॉइल कर रहा है तो ऐसा कहलाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. और ये जो दोनों एज़ोट्रोप है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेंगे. मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप जो शो करेगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, जो कंपाउंड पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं ना जो सॉल्यूशन, उनसे उनका अगर वो एज़ोट्रोप बनाते हैं तो वो कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. आइडियल सॉल्यूशन में एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता, ये आपको भी क्लियर है. और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप है वो कौन से डेविएशन वाले, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो जो एज़ोट्रोप बनाएंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप. तो यहाँ तक लिख लो, नेक्स्ट क्लास में मैं इनको डिटेल में बताऊंगा कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का ग्राफ कैसा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का ग्राफ कैसा होगा, या पढ़ ही लेते हैं ना छोटा सा, ज्यादा नहीं. जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, क्या मतलब है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का, तो आपको बताया कि आपका ए मोर वोलेटाइल है किससे, बी से, है ना. तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये रहा आपका टी नोड है, और बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये रहा आपका टी नोड. तो आपका जो ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूशन का वो एक मिनिमम, अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वो एक पहले मिनिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, उसके बाद वापस बढ़ना स्टार्ट होगा. तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो गया, और वहां पे उसकी वेपर फेज का कंपोजिशन उसकी लिक्विड फेज के इक्वल हो गया. अच्छा, आप ये बोल रहे थे ऋषिकेश कि यहाँ पर मुझे लिक्विड लिखना है और यहाँ पर मुझे वेपर लिखना है, शायद ये था आपका डाउट, है ना, ऐसा था क्या? नहीं, है ना, वो तो क्लियर है ना, वो ये ऊपर वेपर. ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना या कॉल करके पूछ लेना, फिर मैं आपको क्लास में समझाऊंगा. तो यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे दोनों का लिक्विड और वेपर फेज का कंपोजिशन सेम है, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से भी कम आ गया, तो ऐसा सॉल्यूशन जो है वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कहलाता है. और पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं सॉल्यूशन, वो इस तरह का एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन वीक होता है, सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, इजीली वेपराइज हो जाते हैं. कम टेम्परेचर पे दोनों एक दूसरे से अलग अलग है ना, तो इजीली क्या हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. यानी दोनों के टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसे दोबारा लेंगे, नोट कर लो ये, फिर भी कोई डाउट होगा, जो भी आपके डाउट है नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे.